मेरे मालिक, मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगती हूँ। तूने हमेशा मुझे अपनी रहमत के साए में रखा है, कभी मायूस नहीं किया, और मुझे यकीन है तो इस बार भी मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरे अल्लाह, तो इसका दिल नरम कर दे, इसके दिल में रहम डाल दे और मेरे लिए कोई इसबाब बना दे। मुझे बस तुझ पर ही तवक्कल है, तुझ पर ही यकीन है। आमीन। अम्मी, अंकल इतना गुस्सा करके क्यों गए थे? बेटा, वो उनको मैंने पूरा कराया नहीं दिया इस दफा, इसलिए नाराज हो रहे थे। वो तो आपको धमकी भी दे रहे थे, वो हमें घर से तो नहीं निकालेंगे ना? नहीं सैफी, अल्लाह हमें कभी बेघर नहीं करेगा, मुझे पूरा यकीन है। दो ना, फिर साथ खाएंगे। अच्छा एक ले लो, ले लो एक। पानी पी लो ना उठके। आइए भाई, प्लीज बैठे प्लीज। महा जल्दी से आओ, मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बैठो इधर, ये देखो तुम्हारे लिए चीजें लाया हूं मैं भी। प्लीज। भाई तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग का बहुत इशू है, ऊपर से आज लिफ्ट की भी मेंटेनेंस हो रही थी, बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं। I'm sorry भाई, आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। महा आप मामू को एंटरटेन करो, मैं इफ्तारी लगाती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ भाई, यही मंगाया था ना तुमने से? वाओ, थैंक यू मामू। और ये भी मंगाया था ना तुमने? जी। सही लेके आया ना? चलिए देख, इसको जब तुम खोलोगे ना तो पैसे बनाना पड़ेगा। भाई आज है, रोजे का टाइम हो गया। आओ भाई। वाओ मम्मा, इतनी सारी चीजें, आज तो मजा ही आ जाएगा। मामू आपको पता है आज पहली बार इफ्तारी में इतनी सारी चीजें बनी है। सामिया तुम रोज इफ्तारी नहीं बनाती क्या? अब वो एक्चुअली मेरा सिर्फ रोजा होता है तो मैं इतना इफ्तारी का इस्तेमाल नहीं करती, सीधा डिनर करते हैं हम लोग। भाई हमारे यहाँ तो ये सब कुछ वैसे भी नहीं बनता, तुम्हारे जो भतीजा भतीजी है ना वो तो बस पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। पिज्जा? इतने दिन हो गए मैंने तो पिज्जा खाया ही नहीं है, मम्मा खिलाती ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा जंक खा रही थी तो आजकल जरा कंट्रोल किया, मैं घर का खाना खिलाती हूँ। दुआ का टाइम हो रहा है, आप दुआ मांगो।